नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि आयोग की तरफ से जिलों में अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों जिलाधिकारियों के साथ आयोग की बैठक हुई, जिसमें कई मामलों पर सुझाव लिए गए और दिए भी गए। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में आयोग फर्जी मतदान को रोकने को लेकर कई तरह की योजनाओं पर कार्य कर रही है। बता दें कि इस बार होने वाले नगर निकाय चुनाव में पहली बार मतदाताओं से पहचान के रूप में चेहरे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव में पहली बार मतदाताओं से फिंगर की जाँच की जाती थी, जिससे कि सही मतदाता की पहचान की जा सके। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सितंबर में नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में बिहार में नगर निगम चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारियों और निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की कमिश्निंग संबंधी कार्य, निकाय में 3 पदों के लिए मतगणना हॉल के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि 3 पदों के लिए होने वाले मतगणना हॉल अलग अलग होंगे। साथ ही साथ चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर भी विकास विभाग से राशि के आवंटन को लेकर पत्र भेजा गया। बिहार में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर भी तैयार होना है, इसको लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि पहले से जहाँ पर निगम काम कर रहा है उन स्थानों पर आरक्षण रोस्टर में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए स्थापित नियम में नई रोस्टर प्रणाली लागू होनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मेयर व डिप्टी मेयर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में मुख्य पार्षद एवं उप प्रमुख पार्षद का आरक्षण आयोग की तरफ से करने की बात कही जा रही है, तो वहीं वार्डवार पार्षद का आरक्षण का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक में इसका पूरा निर्धारण कर लिया जाएगा, यानी कि 31 अगस्त तक जो है आरक्षण का रोस्टर लागू कर दिया जाएगा, यानी कि सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से वार्ड हैं उसमें किस किस तरह के आरक्षण जो है मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इस बार बोगस वोट से बचने के लिए आयोग की तरफ से फेस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि मतदान को सही तरीके से चलाया जा सके और गलत व्यक्तियों की पहचान की जा सके। इससे पहले हुए पंचायत चुनाव में आयोग की तरफ से अंगूठे से मतदान की पहचान की जा रही थी। इस दौरान कई बूथों पर इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आई, जिसमें उनके अकाउंट से, यानी कि वोटरों के अकाउंट से, मतदाता के अकाउंट से पैसे काटे गए थे। ऐसे में आयोग ने इसमें बदलाव किया और फेस मशीन का इस्तेमाल करने की बात कही है, जिससे कि बोगस वोटिंग को रोका जा सके, गलत व्यक्तियों की पहचान हो सके। तो ये था नगर निगम से जुड़ा हुआ खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।